नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। स्वागत है आपका 2 PM शो में। आज हम बात करेंगे कोरोना को मात देते हुए ब्राजील के शहर के बारे में, साथ ही कमजोर पड़ती कोरोना की दूसरी लहर और बच्चे को लगाए जाने वाली कोरोना वैक्सीन के खिलाफ सुनवाई के साथ गूगल के प्रवक्ता के भारत से माफी मांगने के मामले के बारे में, साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं के ममता बनर्जी की शरण में आने पर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला कोरोना की ताजा अपडेट्स के साथ। देश में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आती दिखाई दे रही है। गुरुवार को देश में 131,280 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ 205,771 संक्रमितों ने कोरोना महामारी को मात भी दी है। नए मरीजों का ये आंकड़ा लगातार चौथे दिन 1.50 लाख से कम रहा। इससे पहले 30 मई को 1.51 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बीते दिन 77,239 की कमी आई है। इसमें 4 दिन में ही करीब 4 लाख की गिरावट दर्ज की गई। भारत में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीनेशन ट्रायल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। याचिका में कोविड वैक्सीन का बच्चे पर ट्रायल नरसंहार के जैसा बताया गया है और इसे तुरंत रोकने की मांग की गई है। इस याचिका के बारे में याचिकाकर्ता संजीव कुमार ने कहा कि ये एप्लीकेशन हाईकोर्ट के सामने है। इसमें केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस भी भेजा जा चुका है। इसके बावजूद जून से ही बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जा चुका है। ब्राजील के सेराना शहर में कोविड-19 से होने वाली मौतों में 95% की कमी आई है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों में भी 80% की गिरावट दर्ज हुई है। इस चमत्कारिक कहे जाने वाले सुधार की वजह तेज गति से चलाया गया टीकाकरण अभियान है। दरअसल 45,000 की आबादी वाले सेराना में लगभग हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी गई है। यहाँ चीन में विकसित हुई कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रयोग के नतीजों से पता चला है कि यदि 75% लोगों का पूरी तरह टीकाकरण किया जाए तो महामारी को नियंत्रित किया जा सकेगा। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अब इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। गुरुवार को गूगल इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर भारतीयों से माफी मांगी है, क्योंकि सर्च इंजन गूगल ने कन्नड़ को भारत की सबसे भद्दी भाषा बताया था। इसके बाद से गूगल को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले में गूगल इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि ये सिर्फ टेक्निकल गलती है, ये कंपनी की अपनी सोच नहीं है। बता दें इस मामले में कर्नाटक सरकार ने गूगल कंपनी को नोटिस देने की भी बात कही थी। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद से बंगाल की राजनीति पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। पहले TMC छोड़ भाजपा आने वाले नेता वापस TMC आने की ममता बनर्जी की शरण में जाना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार BJP के 1-2 नहीं बल्कि 33 विधायक ऐसे हैं जो दोबारा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। चुनाव के पहले TMC से भी 33 विधायक ऐसे थे जो BJP में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो TMC के संपर्क में है जो जल्द ही वापस TMC ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। सच्ची खबर सलीके के साथ।